हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल मसाले के स्वाद में। आज हम बनाएंगे दो तरह की चटनी। तो पहले बनाएंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसे चाट, समोसा, पानी पूरी, दही बड़े किसी के साथ भी खाया जाता है। बहुत ही अच्छी लगती है, चटपटी लगती है, एकदम खट्टी मीठी चटपटी टेस्ट होता है इसका। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चटनी बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, पानी में उबाल आ गया है, तब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम इमली लिया है हमने, उसे बीज निकाल लें उसका, और पानी में डाल करके इस तरह से इसे अलग अलग कर लें और 5 मिनट तक इसे उबालें। इससे इमली एकदम पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसे पहले पानी में भिगो के भी रख सकते हैं अगर टाइम है तो, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए इमली हमारी पक गई है, पर ये अभी गर्म है तो हम इसे ठंडा होने देंगे। इमली ठंडी हो गई है तो हम उसका पल्प ऐसे साइड से निकाल करके और एक जार में डाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे तभी अच्छे से पेस्ट बनेगा। बाकी पानी को बचा लिया है, बाद में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए इमली हमारी पिस गई है, ऐसा पेस्ट बनाना है बिल्कुल इस तरह का। इसे एक छन्नी में निकाल लिया है, बाकी के जो पानी बचे थे उनको भी इसी में डाल करके निकाल लेंगे और इस तरह से इसे हम छान लेंगे चम्मच से। ज़रूरत के हिसाब से इसी में थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा ऐड किया था, 2-3 चम्मच। और छाने हुए पेस्ट को इस तरह से हम मिला लेंगे। यहाँ हमने एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी हींग, और फिर डाल देंगे इसमें इमली का पेस्ट और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें उबाल आ गया है तो हम डालेंगे इसमें 100 ग्राम चीनी। आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आधा गुड़ आधा चीनी डाल सकते हैं। चीनी घुलने तक इसे चलाते रहें। चीनी घुल गई है तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक पाउडर। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पर इसे 4-5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए चटनी हमारी अच्छी गाढ़ी हो गई है। आप इसे ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में रख दें, इसे 3-4 महीने तक यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ खरबूजे का बीज डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है, चटपटी लगती है एकदम। तो बन के तैयार है हमारी इमली की खट्टी मीठी चटपटी चटनी। अब हम बनाएंगे धनिया पुदीना की हरी चटनी। तो उसके लिए हमने एक जार ले लिया है, उसमें ये धनिया डाल देंगे। धनिया को अच्छे से हमने धो लिया था, फिर हम डालेंगे ये पुदीना, इसे भी हमने अच्छे से धो के रखा था। चार कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च लिया है हमने आधा आधा तोड़ के। ये ज़्यादा तीखा हरी मिर्च है इसलिए 1 लिया है, आपके कम तीखे मिर्च हो तो आप 2 ले सकते हैं।
अब डालेंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 से 2 चम्मच पानी, और इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए चटनी हमारा पीस गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हरी चटनी हमारी बन के तैयार है। बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।